BJP MP Sakshi Maharaj, speaking to reporters in Kannauj, said that lots of money come into India in the name of love jihad. He said that terrorists were being created by Madrassas. Sakshi Maharaj said that love jihad is unfortunate for the country. The Bharatiya Janata Party MP Sakshi Maharaj on Sunday alleged that Madrassas were giving education of terrorism. He said that Madrassas were creating jihadis out of children. Sakshi Maharaj is a MP from Unnao constituency. He alleged students were not being taught about nationalism in the religious schools. The Samajwadi Party said it was an attempt to create division among communities. Love jihad इस देश के लिए दुर्भाग्य है. लव जिहाद के नाम पर इस भारतवर्ष का इस्लामीकरण करने का एक सोचा समझा षड्यंत्र है. अरब कंट्रीज से मेरी जानकारी के अनुसार बहुत बड़ा धन हिंदुस्तान में लव जिहाद के नाम पर आता है, जिसमें सरदार की लड़की का रेट फिक्स है 11 लाख रुपया, हिंदू की लड़की का रेट फिक्स है 10 लाख रुपया, पंजाबी की लड़की का रेट फिक्स है 8 लाख रुपया, जैन की लड़की का रेट फिक्स है 7 लाख रुपया. तो ये मदरसों में यही पढ़ाया जाता है कि अगर इस जात की लड़की को आप अपने प्रेम जाल में फंसाएंगे तो हम आपको इतना लाख रुपया देने वाले हैं, और फिर उस प्रेम से पैदा होने वाली जो औलाद है, संतान है, उसको आतंकवादी बना करके, मतलब हमारी तलवार से हमारी गर्दन तरासने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है. हमारी सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है. हम चाहते हैं कि मदरसों से इस्लामीकरण की बात न हो, मदरसों से लव जिहाद की बात न हो, मदरसों से आधुनिक शिक्षा दी जाए ताकि मुसलमानों का भी भला हो, देश का भी भला हो. मदरसों में आतंकवादी और लव जिहाद की शिक्षा दी जाती है. हमारे हिंदुओं के स्कूलों को तो सबको सरकारी सहायता नहीं मिलती, लेकिन हर मदरसे को सरकारी सहायता मिलती है. Powered by NNIS.